हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तवकड़ाई। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं वेज स्ट्रिप्स। इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं, और पार्टीज में बना के आप सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे, और घी गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा तड़काएँगे। अब जीरा तड़क जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। ये हल्का भुन जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम उसको भी अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का भूनेंगे। अब हम इसमें अपनी बाकी सब्जियां डालेंगे, 1/2 कटोरी गाजर बारीक कटी हुई, 1/2 कटोरी कैप्सिकम, 1/2 कटोरी मटर, 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले डाल लेते हैं। हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब एंड में हम डालेंगे 5 उबले हुए आलू मैश किए हुए। अब हम सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे टेस्ट बैलेंस करने के लिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर तैयार है, हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, इतने हम अपनी कोटिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। बैट कोटिंग के लिए हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच नमक। अब हम इसका धीरे धीरे पानी डाल के अच्छा सा घोल बना लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। मैंने इसमें लगभग 1/2 कटोरी पानी डाला है। दोस्तों देखिए, घोल बन चुका है, घोल इतना पतला होना चाहिए। ड्राई कोटिंग के लिए मैंने 2 कटोरी ओट्स पीसा है और इसका अच्छे से दरदरा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स या पिसे हुए कॉर्नफ्लेक्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे ताकि हमारा बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये वेज स्ट्रिक बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेके हम इसको स्ट्रिप्स की शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब ये देखिए, हमारी कितने अच्छे से वेज स्ट्रिप की शेप बन चुकी है। अब हम बाकी भी सारी इसी तरह से बना लेंगे। अभी दोस्तों देखिए, हमने वेज स्ट्रिप्स को शेप देके रख लिया है। अब हम इनको कोटिंग करेंगे। पहले हम इनको घोल में डाल के कोट करेंगे। के बाद हम ड्राई कोटिंग करने के लिए ओट्स के पाउडर में इसको कोट करेंगे। अब हम इसी तरह से अपनी सारी वेज स्ट्रिप्स कोट कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारी वेज स्ट्रिप्स कोट हो चुकी हैं। अब ये डीप फ्राई करने के लिए तैयार हैं।
दोस्तों इसको तेल में डालने से पहले हम इसको अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पाउडर हट जाए। और हम इनको अब तेज गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे और हम इनको तब तक डीप फ्राई करेंगे तब तक लाइट ब्राउन ना हो जाएं। अब ये देखिए हमारी स्ट्रिप लाइट ब्राउन हो चुकी है और ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुकी है। इसी तरह से हम अपनी सारी स्ट्रिप डीप फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारी वेज स्ट्रिप्स बन चुकी हैं। अब ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से कुक हो चुकी हैं। बहुत टेस्टी बनती है, आप इनको बनाएं और अपनी पार्टी में चटनी और सॉस के साथ गरम गरम सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी वेज स्ट्रिप्स की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।